भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मंडी शहर में चोरी छिपे बिक रहे चीनी मांझे ने अब पक्षियों को काल का ग्रास बनाना शुरू कर दिया है। शहर भर में पतंग प्रेमी एनजीटी व न्यायालय के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर चीनी मांझे से पतंग उड़ा रहे हैं। चीनी मांझे में कांच और लोह के कण होते हैं, जिससे यह टूटता नहीं है और पक्षियों के शरीर में फंसता है, उसे काट कर ही छोड़ता है। बता दें, कुछ दिन पहले शहर में एक पीपल के पेड़ पर पक्षी पतंग की डोर में इस कदर उलझा कि उसकी जान पर बनाई। कई लोगों ने इसकी छटपटाहट को देखते हुए फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने लैडर की मदद से 50 मीटर ऊपर पेड़ पर चढ़कर पक्षी के प्राण बचाकर उसे गगन में छोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा, जिला में आदेश दिए गए हैं चीनी मांझा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सख्ती से लगाया जाए। उन्होंने कहा, जिले में पुलिस की टीम एक्टिव हो गई है और चीनी मांझा बेचता हुआ कोई दुकानदार मिलता है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल एक जानकारी आई थी हमें और इसमें जो है सभी टीम्स को हेडक्वार्टर से निर्देश दिए गए हैं कि वे रैंडमली शॉप्स पे चेकिंग करें जहाँ पे मांझे और पतंग वगैरह का सामान बिकता है और उसमें ये चेक करके जो भी चाइनीज़ मांझा जिसको कहते हैं और वो काफ़ी शार्प एज रहता है और आई थिंक बर्ड्स के लिए भी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है तो उसको चेक करें। वो ऑलरेडी बैंड है और उसका जो सेल है प्रतिबंधित है तो इस पर जो कार्रवाई तुरंत जो है वो की जाए। इसमें हमारी सारी टीम जो सदर पुलिस स्टेशन सुंदरनगर और जो मेन मार्केट एरियाज हैं वहाँ पे एक्टिव है और ऐसा कोई मामला सामने आएगा या ऐसा कोई मांझा जो है वो सेल करता हुआ व्यापारी जो पाया जाएगा उसके अगेंस्ट जो नियमों के अनुसार कार्रवाई बनती है वो हम अमल में लाएंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।